शाहजहांपुर में आज ट्रैफिक पॉइंट के पास हिंदूवादी संगठनों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में बस स्टैंड को तोड़कर नवीन बस स्टैंड बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर नगरपालिका के द्वारा रोड पर रखी गुमटियों दुकानों को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर शाहजहांपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया एवं विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी संभाल मोर्चा लोगों को समझाइश दी गई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो लोग अपने जीविका के लिए रोड किनारे दुकान लगाए बैठे हैं, उनको नगरपालिका हटा रही है, जिससे उनके सामने आजीविका चलाने की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने नगरपालिका पर पक्षपात कार्रवाई का आरोप लगाया है। दुकान हटा लेना और आप यहाँ के नहीं जाए, आप बोले बाहर के हो, तो मैं सेमू साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पाकिस्तान से आया हूँ? और मैं सेमू साहब से पूछा था तुम कहाँ से आए हो, पहले तुम्हारा बताओ। हम तो यहाँ के मूल निवासी है, हमारा जन्म यहाँ का है। शाहजहांपुर के अंदर गुंडागर्दी और तानाशाही की इस प्रकार मिसाइल डाली गई है कि जिसमें बेकसूर बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं, इन सबको प्रताड़ित किया है। आप रोजगार अगर नहीं दे सकते तो कम से कम उन लोगों का रोजगार ना छीने जो सड़कों पर रेडी लगाकर अपने दिनचर्या चलाते हैं। इस प्रकार से बेकसूरों को, निर्दोषों को खदेड़ कर, धक्के मार कर, उनकी दुकानों को छीन कर, बाहुबलियों को और जो पैसा खर्च करते हैं उन लोगों की दुकान आप शिफ्ट कर रहे हैं। ये शाहजहांपुर कतई सहन नहीं करेगा और विशेष करके बजरंग दल तो कतई सहन नहीं करेगा। इस प्रकार की घटना सीओ सामने आज की है शाहजहांपुर में। इन दुकानों को ना ही हटाया जाए, हम ये मांग करते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं इन लोगों की है, अगर इनकी दुकानें हटाई जाए तो इनको व्यवस्थित जगह कर बिठा कर इनका रोजगार सुचारू रूप से चलाएं, इस प्रकार का कार्य करें। अगर ये तानाशाही और गुंडागर्दी आपने शाहजहांपुर में की है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बजरंग दल ने आज चक्का जाम किया है, हम संपूर्ण भारत के अंदर विद्रोह खड़ा कर देंगे। इस प्रकार की घटना आप कतई ना करें। जय श्री राम। सभी दुकानों को व्यवस्थित किया जा रहा है, बस स्टैंड से जो गुमटी वगैरह हटाई गई है उन्हें भी हम व्यवस्थापन कर रहे हैं। तो जिन दुकानों की साइज बड़ी है उनको हम व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि कम से कम जो अंदर से बेरोजगार हुए हैं उनको भी हम दुकानें दे सकें। किसी को हम हटा नहीं रहे हैं, बस दुकानों को व्यवस्थित कर रहे हैं। सर लगातार कल भी हंगामा हुआ और आज भी हंगामा हुआ, ये अब ठीक है। अब इतनी बड़ी मुहिम, इतनी बड़ा बस स्टैंड बन रहा है तो थोड़ी बहुत तो परेशानी आएगी। अभी इन लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? अभी व्यवस्थित ही करेंगे सबको, हम किसी को हम बेरोजगार नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थित करेंगे सबको। हाँ, दुकानें तो यहीं रखी हुई है पर जो ज़्यादा जगह जिनने घेर रखी है, जो अंदर से बेरोजगार हुए हैं उन गुमटियों को भी हमें सिद्ध करना है। शाहजहांपुर से दिलीप सो, राष्ट्र की रिपोर्ट।